जहाँ जहाँ जगह जगह मिलती है अपने हिसाब से। कैसे कहाँ? मैं यहाँ बैठता हूँ। यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। All the boys on one side. बड़ी जगह बच गई। और सुनाइए। It is wonderful. I mean, पर ओके मैं इधर बैठ जाता हूँ ताकि सबके चेहरे मैं देख पाऊँ। आप सबने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है और ऋतिक भाई फैबुलस जॉब। थैंक यू। सबने अपने किरदार इतने बखूबी निभाए हैं, ऑब्वियसली तभी एक फिल्म जो है वो पर्दे पे चमकती है। और आपको ढेर सारी मुबारकबाद एक बार फिर से। ऋतिक भाई आप बहुत ही मेहनती आर्टिस्ट हैं। सर कितना मुश्किल था एक ऐसे करेक्टर को निभाना जिसको दिखाई नहीं देता है? डिफिकल्ट तो था जी, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्ट चीज़ें की हैं उनके मुकाबले में जो आप करते हो ना वो मतलब दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एवर। सो स्वीट ऑफ यू। तो आपके सामने ये कहना कि मैंने कुछ बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए, जो आप करते हो ना उसके सामने so उसके मुकाबले में कुछ नहीं। आई लव यू भाई। आई लव यू टू। सोनी चैनल प्लीज इस लाइन को 3-4 बार रिपीट करके प्रोमो में भी चलाया जाए। तो सर जब आपने एक्चुअली सारी फिल्मों के नाम के से शुरू होते हैं, जब आपने पहली फिल्म के से खुद गर्ज शुरू की थी तब आपने कभी सोचा था कि ऐसा बंदा आएगा मतलब टीवी पे इतना अच्छा शो आएगा तो हमें मिलने का मौका मिलेगा? नहीं सोचा। और इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हम हर कदम में सफलता मिलती जा रही है। आज आपसे मिलकर मुझे और सफलता मिली। सो स्वीट ऑफ यू सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे शो पे आए और आज एक्चुअली 4 चांद लग गए हैं पूरी काबिल की टीम को यहाँ पे देख के। यामी के लिए भी जोरदार तालियां, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना किरदार निभाया। यामी और ऋतिक जो हैं वो दो ऐसे प्रेमियों की कहानी है जिनको दिखाई नहीं देता है और बहुत ही बखूबी आपने निभाया। तो चेक वगैरह तो पूरा देख के लिया है कि नहीं आपने? रौनक भाई इतने क्यूट लगते हैं। क्यूट आप देखिए। हाँ ऐसे लगता है कि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में अभी तक। बड़े प्यारे लग रहे हैं, डिम्पल पड़ रहे हैं, लेकिन हर फिल्म में अभी ये ऐसे विलन बन के निकल के आते हैं हमें लगता है कि वही रोनित रॉय हैं जो सोनी टीवी पे कभी कभी क्रिमिनल्स के केस सॉल्व करते हैं और बाहर बड़े पर्दे में जाके खुद क्राइम करने लगते हैं। सर आपने इस फिल्म में बहुत अच्छी मराठी बोली, आपको ऑलरेडी आती कि आपने सीखी थी स्पेशली? नहीं इस फिल्म के लिए सीखी थी। अच्छा तो फिल्म में चैलेंज ये था कि मराठी नहीं बोलना है। अच्छा हिंदी बोलनी है महाराष्ट्रन की तरह। राइट तो वो कोचिंग ली थी। वो बहुत एक्चुअली मुश्किल चीज होती है कि हिंदी तो आप कई सालों से बोल ही रहे हो। हाँ। लेकिन एक वो सेम जैसे आप अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं है वैसे जो सिमिलर। रोनित और रोहित दोनों पहली बार सर आपने एक फिल्म में काम किया? जी पहली बार काम किया। तो जब आपको पता चला कि आप दोनों साथ में फिल्म कर रहे हैं जी, और दोनों ही मैं सबसे पहले तो आपके काम की तारीफ करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप इतने कमीने लग रहे थे। आई मीन ये आपकी कला की जीत है जो आप कर रहे हो वो लगने चाहिए। और आप कला की जीत के ऊपर मैं जरा सॉरी आई इंटरजेक्ट, क्योंकि कला की जीत इसमें एक और वे में बहुत ही मतलब प्रेज़वर्दी है जी, क्योंकि इतने खतरनाक लगे हैं ये दो पिक्चर में जी, लेकिन नॉर्मल लाइफ में इतने हैंडसम हैं, इतने स्वीट हैं। क्या आप जानते हो कि इन दोनों का पेट नेम क्या है? नेशनल टीवी। अरे पीपल शुड नो मतलब अरे इतने खतरनाक शलार है उनका नाम माधर में शलार, और रियल लाइफ में इनका नाम है पिंकी। पिंकी और इनका कोको तुम कैसे हो आज? ओहो कोको फिल्म काबिल में जो खतरनाक विलन पिंकी और कोको, पिंकी और कोको एंड पिंकी, 3 cheers टू कोको एंड पिंकी। अब मुझे लग रहा है मैं दोबारा फिल्म देखूंगा तो शायद आप मुझे इतने बुरे लगेंगे नहीं कि नहीं यार ये तो कोको और पिंकी है जी। सर वी वांट टू नो आपके नाम कोको और पिंकी पढ़े कैसे? जी बिल्कुल ये बहुत इधर ही आके बैठ जाओ।
रोनित जी जो थे जब पैदा हुए थे तो बड़े पिंक थे, जैसे हर बच्चा होता है. लेकिन इनको शायद माँ बाप को सोचने का वक्त नहीं मिला था तो इनका नाम पिंकी रख दिया. तो वैसे कुछ हुआ था. थैंक यू सर. क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि हमारे ये खूंखार डायरेक्टर का नाम क्या है? प्लीज आज सारे पोल खुले. ये मुझे कैसे नहीं पता? इनका नाम है मुन्ना. संजय सर उनका तो फिर भी हम डाइजेस्ट हो रहा है. चलो पिंकी कोको आपकी तरफ से मुन्ना, मतलब आप पूरे अच्छा बचपन में था ना. अच्छा सोचो हम के बोले संजय गुप्ता जी आ रहे हैं और मैं बोलता कि मुन्ना की फिल्म आ रही काबिल. लगे हाथ आप भी अपना पेट नेम बता दो. हाँ आपका यार ये तो अरे घर वालों ने तो कपिल रखा है. प्यार से लड़कियां कैप्स कहती हैं. मैंने देखा है राकेश सर आप इस बात से सहमत होंगे क्योंकि आप भी ऋतिक के साथ इतनी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं. जब बाप बेटे या दोनों सगे भाई साथ में काम कर रहे हो कई बार ये भी होता है कि यार मेरा बड़ा भाई सामने है या आपको लगता है मेरा छोटा भाई सामने, इसके सामने मेरा रीटेक ना हो जाए फिर मैं बड़ा भाई कैसा अगर मैंने रीटेक दे दिया उसके सामने. टेंशन होती थी आपको जब साथ में दोनों सीन? उल्टा है, उल्टा है. अच्छा कि मुझे टेंशन होती थी कि कहीं इसके सामने बहुत ये शॉर्ट टेम्पर्ड है. अच्छा हाँ तो कहीं लोगों के सामने गुप्ता साहब है वहाँ सेट पे डायरेक्टर बाकी लोग भी हैं तो कहीं ये सबके सामने ना मुझे डांट दे के क्या कर रहे हैं तुम, ऐसा कुछ काम नहीं आता तुमको. आप मानते हैं ये कहते हैं ऐसा? मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा है, सच्चा प्यार है ना? ऐसा है, सच्ची बात है. हाँ टू ब्रदर्स द वे यू ऑल आर, मैं आई एम अ फादर ऑफ टू सन्स. I really hope के मेरे बच्चे जब बड़े होंगे they share a relationship like you two. So really. Sweet. So sweet. That's it. और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो ऋतिक रोशन जैसे निकले. तो राकेश सर जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं ऋतिक सर की कोई मूवी, आप तो इनको खैर बचपन से जानते होंगे मतलब जानते ही हैं, तो आप टोकते हैं कभी कभी कि कोई मतलब कि ऋतिक ये सही नहीं हो रहा है या ये बेटा होने के नाते ऐसा खब? नहीं पापा ठीक तो हो रहा है. हमारे रिलेशन ऐसी है जी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कुछ भी मुझे कह सकता है मैं कुछ भी बोल देता हूँ. बहुत अच्छी बात सर, इसीलिए आप हम झिझकते नहीं एक दूसरे से. क्या बात. अच्छा ऐसा भी होता होगा ना जब कभी आपकी बात मान गए ऋतिक तो आपके मन में फील आता हो कि बाप बाप ही होता है. उसके बाद जब ऋतिक यह होना प्यारे का एक खुलासा मैं आज कर सकता हूँ जी. जब मेरे सीन्स एडिटिंग रूम में एडिट होते थे और पापा वहां पर बैठते थे उसे काटने, तो पापा क्या है बहुत ही फोकस्ड ऑब्जेक्टिव डायरेक्टर है. ये नहीं कि मेरे बेटे का ये शॉट अरे यार क्या लुक है यार इसको थोड़ा दो तीन फ्रेम और रखते हैं, नहीं काटो 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 नेक्स्ट क्या है. पीछे मैं बैठता था वहाँ पर और मैं देखता था कि अरे यार पापा कट दैट वन शॉट ऑफ माइन यार बहुत अच्छा शॉट था वो यार शिट व्हाट डू आई डू यार. और अंदर से पैल्पिटेशन हो रहे हैं यार कोई दुनिया में कोई देखेगा नहीं मेरा ये शॉट, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं. तो एडिटिंग खत्म, पापा यूज़ टू सिट इन द कार, आई यूज़ टू सिट इन द बैक सीट विद हिम, समटाइम्स आई यूज़ टू गो इन द ऑटो. तो घर में पहुंचता था और पापा के साथ ऊपर, पापा जाते थे अपने कमरे के अंदर, मैं सुनता था, सब साइलेंट है मतलब आराम हो रहा है अंदर. वापस आता था ऑटो में बैठता था, फिर से जाता था एडिटिंग रूम में, खोलता था मैं चाबी मेरे पास में थी, मैं खोल के एडिटिंग रूम में बैठ के अपना शॉट वापस में डाल देता था. Are you serious? Really? Wow. और अपने एडिटर से कहता था देख यार तू क्या बोलता है शॉट अच्छा है कि नहीं, सीन इज गेटिंग बेटर और इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड. So he used to say, yeah, no, Dugu, it's much better. I like it. Haan, so see then, tomorrow Papa will come. You show him the scene. Don't tell him first. If he's okay, he says okay for the scene, you let it go, no? Don't tell him that I came and I did all this and all this. So Papa aate the, dekhte the scene. Pura scene khatam hua. Thoda pause. Wo jo ek head used to go down. Matlab samajh mein aa gaya unko, haan, kiya isne kuch. Papa dekhte the, ah, okay, theek hai. Next. And I got the water. I got the. पर एडिटर की क्या हालत होती होगी ना यार, पिताजी आते तो कटवा जाते, बेटा आता डलवा जाता, मैं करूं क्या? उसको तो नींद ही नहीं. फुल डे ही यूज्ड टू सिट, फुल नाइट आई यूज्ड टू सिट. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स फ्रॉम फ्री टीवी.